सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक्नोलॉजी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत दिनों बाद यार वीडियोस लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिजिटल एड टेम्पलेट्स को कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वो भी अपने फोन से, ठीक है। सो इसके लिए गाइस वीडियो में बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप डिजिटल एड टेम्पलेट्स डाउनलोड्स के बारे में बताइए। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि अपने फोन से डिजिटल एड टेम्पलेट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो वीडियो में गाइस बने रहो, तभी गाइस आप लोग डिजिटल एड टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। अगर गाइस इस वीडियो में आप लोग थोड़ा सा भी स्किप किए तो गाइस आप लोग डिजिटल एड टेम्पलेट्स को डाउनलोड से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को एक सेटिंग्स के बारे में बताया हूँ। उस सेटिंग्स को दोस्तों आप लोग कर लेते हो तो गाइस आप लोग आसानी से डिजिटल एड टेम्पलेट्स को आप लोग डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डिजिटल एड टेम्पलेट्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गाइस आप अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो चले गाइस मैं गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको ओपन कर लेने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सर्च बारे में टाइप करना है पिक्ट पिक्स, ठीक है। इसको टाइप करके गाइस आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप गाइस सर्च करेंगे ये एप्लीकेशन दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलता है। इसी एप्लीकेशन को दोस्तों आप लोगों को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। सो जैसे आप गाइस इस एप्लीकेशन को आप अपने फोन में ओपन करेंगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपने क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करना है, ठीक है। इस सेटिंग्स को दोस्तों आप लोगों को देख लेना है, ठीक है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाता है इमेज साइज का ऑप्शन, ठीक है। इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। सो जैसे आप गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। दोस्तों आप लोग जिस साइज में टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना चाहते हो उसी साइज को दोस्तों आप लोग को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो गाइस मैं डिजिटल टेम्पलेट्स को सभी साइज में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो गाइस मैं एनी साइज में ही करना। एंड गाइस सेकंड नंबर पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्सपेक्ट रेशियो का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों को एनी एक्सपेक्ट रेशियो में क्लिक करने लेना है। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थर्ड नंबर पर देखने को मिल जाता है कलर इन द इमेज का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जिस भी कलर में आप टैबलेट्स को डाउनलोड करना चाहते हो उसी कलर को दोस्तों आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइस मैं सभी कलर में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो गाइस मैं एनी कलर पर ही इसको रहने देता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को फोर्थ नंबर पर देखने को मिल जाता है टाइप ऑफ इमेज का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सो गाइस जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाता है एनिमेटेड का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर कैसे आपने क्लिक करना, ठीक है। और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को उसके नीचे देखने को मिल जाता है फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सभी ऑप्शंस को दोस्तों आप लोगों को ध्यान से देख लेना है, ठीक है, तभी गाइस आप लोग डिजिटल टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है थर्ड नंबर पर जीआई फाइल का ऑप्शन, इस पर कैसे आपने क्लिक करना है। फिर इसके बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को बैक चले लेना है, ठीक है। और बैक आ जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में टाइप करना है एवी डीजे लाइट, ठीक है। आप लोगों को स्पेलिंग ध्यान से देख लेना है, इसको टाइप करके आप लोगों को सर्च कर देना है, ठीक है। सो जैसे आप गाइस सर्च करेंगे इससे रिलेटेड जो भी डिजिटल एड टेम्पलेट्स रहेगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ टेम्पलेट्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो भी टेम्पलेट्स डिजिटल एड्स आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो उसी टेम्पलेट्स पर दोस्तों आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर नीचे आप लोगों को एक सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर कैसे आपने क्लिक करना है। सो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ये जो डिजिटल एड टेम्पलेट्स रहेगा आपके फोन में दोस्तों वो सेव हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस एप्लीकेशन में आप लोग जो भी अलग अलग कीवर्ड करके सर्च करेंगे इसमें दोस्तों आप लोगों को उससे रिलेटेड डिजिटल एड टेम्पलेट्स देखने को मिल जाता है। यहाँ से दोस्तों आप लोग डिजिटल एड टेम्पलेट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं एक और कीवर्ड को इसमें सर्च करता हूँ, सो गाइस आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैंने इसमें कीवर्ड को टाइप करके सर्च किया है उससे रिलेटेड जो भी डिजिटल एड है यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को सब ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है जो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और गाइस इस डिजिटल एड्स को आप लोग काइन मास्टर में भी यूज कर सकते हो और एवी प्लेयर एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप लोगों को चलाने नहीं आता है काइन मास्टर में तो इसके लिए मैं एक वीडियोस बना चुका हूँ, उस वीडियोस का लिंक मैंने दोस्तों अपने वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उस वीडियोस को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ यार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार नए आ गए हो तो वैसे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिल्म होते गए हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।